आज का दिन NIDM के लिए और इस विश्व के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण जोखिम को कम करने के रूप में 13 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम जो रखा गया है वो विषमताओं को से लड़कर हम आपदा प्रबंधन कैसे बेहतर करें और समतानशील एक रेजिलिएंट फ्यूचर कैसे हम क्रिएट करें इस विषय पर। तो इसको देखते हुए NIDM ने आज के इस दिन का थीम जो है इनइक्वालिटी टू एम्पावरमेंट। जब हम विषमताओं की बात करते हैं तो हमारे मनस्पटल पर एक भावना आती है कि वो लोग जो समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो एकदम हाशिए पे खड़े हैं या जिनके पास न वो संसाधन है और न ही वो ताकत है, लेकिन इस परिकल्पना को इस परिभाषा को आज हम बदलना चाहते थे। हम उन संकेतों को उन सिंबल्स को उन हमारे सच्चे नायकों को नायिकाओं को आज यहाँ पे लाकर खड़ा करना चाहते थे जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ये संभव है, विषमताओं से बाहर आना संभव है, विषमताओं से लड़ना संभव है, एकीकृत समाज को बनाना संभव है। उसमें हिम्मत और जोश की जरूरत होती है और आज मुझे बहुत हर्ष होता है कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है वो एक ऐसी ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है जिन्होंने 40 वर्ष आजीवन अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने समाज सेवक की तरह, एक ब्यूरोक्रेट की तरह नहीं बल्कि एक समाज सेवक की तरह, जो सिविल सर्वेंट कहते हैं, वो सर्वेंट सच्चे मायने में वो सर्वेंट होता है कि जो सेवा के भाव से नौकरी मारता है और न केवल अपनी सर्विस तक, अपने सुपर एनिमेशन तक, बल्कि उसके परे भी आज भी सर समाज सेवा के उसी मन और लगन से लगे हुए हैं। आपने जिस चीज पर पूरे जीवन में फोकस किया था वो था एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजेंडा। आपके बारे में इनका शेष परिचय मैं कुछ समय बाद में फिर से दूंगा और इसी तरह हमारे बाकी वक्ताओं का भी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस से भी ज्यादा उसके बराबर हमारे लिए ये दिवस और भी एक तरह से महत्वपूर्ण कई मायनों में होता है। जैसे दो दिन के बाद में दशहरा की शक्ति पूजन शुरू होता है। शक्ति पूजन का जो एक सांकेतिक अर्थ कहीं कहीं हमारे उस बीच में रहा है वो शायद यही रहा है कि कैसे विषमताओं को, अन्याय को, पीड़ा को कैसे खत्म करके शक्ति की विजय होती है। और वही उसी शक्ति को प्रतिवान करने वाली आज हमारे साथ में जो हमारी तीन बहनें बैठी हुई हैं वो आज इसी बात को इंगित करती है कि ये संभव है, वो नारी शक्ति के वास्तविक सिंबल के रूप में आज कर उभर कर आई है। तो मुझे बहुत हर्ष होता है। एक और दृष्टि से ये दिवस मेरे लिए, ये सप्ताह कहूंगा कि 15 अक्टूबर को न केवल दुर्गा पूजा बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मेरे जीवन को मेरे माता पिता के बाद में जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया, उनका जन्मदिन भी दो दिन के बाद है और वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद रहा था। एक तीसरा कारण और है, 28 वर्ष पूर्व 2095 में एक छोटा सा बीज बोया गया था, वो बीज अंकुरित होकर एक पौधा बना और वो पौधा 8 वर्षों के बाद में उसे ट्रांसप्लांट करके एक वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। 2003 से ये वृक्ष अपनी शाखाएं बढ़ाने का प्रयास करता है, तभी 2005 में इस वृक्ष को एक वट वृक्ष बनने का मौका मिलता है और वो आज 28 वर्ष की उम्र में ये वट वृक्ष अपनी शाखाएं सारे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में ही नहीं बल्कि विकास की सारी धाराओं पर, विकास के सारे शिखरों तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं विश्व का आपदा प्रबंधन का इतिहास पढ़ने का प्रयास कर रहा था और मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन सी संस्थान है जो विश्व की पहली कॉन्फ्रेंस 1990 से 2000 के डिकेड को पहली बार डिजास्टर रिडक्शन के डिकेड के रूप में मनाया गया था और 1995 में जापान में योकोहामा कॉन्फ्रेंस। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे जापान के मित्र प्रोफेसर निशिकावा भी यहाँ पे हैं
In 1995, it was the Yokohama Conference, which was the first international institutional response to disasters. 1994, I stand corrected. And India was the first country, perhaps, which had started the National Center for Disaster Management that I was indicating towards sowing a seed. And that seed was National Center of Disaster Management in Ministry of Agriculture. And this National Center for Disaster Management got the status of a National Institute of Disaster Management in 2003, when it was shifted to MHA, which I was referring to transplanting a plant to a tree. And 2006, it got the statutory status under Disaster Management Act, which I was referring to a banyan tree. And today I am very happy to announce that we are working to mainstream DRR into every vertical of governance as well as every part of the country. And I think our professors need to research that whether there was any center, I doubt, before 1995 as a response to Yokohama Conference other than India's initiative and this institute's predecessor organization. Today's topic is about inequalities, vishamtaen, aur un vishamtaon se kaise aapda mein aur हाशिए पे खड़े लोगों को कठिनाई आती है। ये विषमताएं हमारे सीमित संसाधनों का जब वितरण होता है तो जो गरीब होता है उसको न केवल आपदा का सामना प्राकृतिक आपदा आने पर करना पड़ता है, जो लोग वंचित है, पीड़ित है, जो गरीब है, या चाहे वो जेंडर के कारण हो, चाहे वो आयु के कारण हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के कारण हो, चाहे वो एज फैक्टर के कारण हो, या क्लास के कारण हो, कास्ट के कारण, जो लोग समाज के कोने पर खड़े हैं उन्हें हर रोज कई बार एक डिजास्टर जैसी सिचुएशन को फेस करते हैं, क्योंकि हर रोज एक जीने का एक चुनौती आती है। तो ये जो जीने की चुनौती है, इसका जब सशक्तिकरण होगा, जब लोग मुख्यधारा में शामिल होंगे और हमारा इकोसिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि आज के दिन में काफी रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें आज भी वो बैरियर्स तोड़ने की जरूरत है जो जेंडर को आगे नहीं आने देते, जो ट्रांसजेंडर को आज भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। वो बैरियर जो एक डिसेबल्ड लड़की जो आईएएस में टॉप करने के बावजूद भी उसको अपनी नौकरी के लिए न्याय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, वो बैरियर जिसमें कि एक दूरगामी मरुस्थल की बेटी को अपने जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको अस्पताल ले जाने का पैसा न होने के कारण अपने बच्चे को खोना पड़ता है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में हमने देखा कि जहां असंभावनाओं के, जहां असुविधाओं के, जहां विषमताओं के काले बादल चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, उसमें कहीं कहीं आशा की किरणें भी हैं, और वो आशा की किरणें आज हमारे बीच में बैठी हुई हैं। अब काम मुझे दिया गया था सबका वेलकम करने का, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने सबका वेलकम कर दिया पहले ही। तो अब 20 वर्ष से मैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आई एक्सपर्ट इन मैनेजिंग क्राइसिस, so I thought in the morning that what I'll be welcoming them when everybody is introducing them. तो मैं बड़ा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा तुकबंदी करने का शौक रखता हूँ। तो अगर चेयर की इजाजत हो तो दो चार मिनट में हमारी महानुभूतियों के लिए कुछ मैंने और NIDM के लिए कुछ लिखा है, वो आपकी अनुमति के अनुसार मैं पढ़ना चाहूँगा। और हमारी मेरी बच्ची या भतीजी की उम्र की जो मैथिली है, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये बड़ा अच्छा तरन्नुम में गाती है। भगवान ने मेरे को काफी कला के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कुछ दिया है, लेकिन सुर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज मैंने तरन्नुम में लिखने की और गाने की एक कोशिश है, जिसको शायद हो सकता है किसी दिन मैथिली अपना सुर दे तो ये अच्छा गीत भी बन सकता है। NIDM को मैंने निध्व कहा है, तो जो लोग निध्व बार बार सुनने पे जो समझ में नहीं आया, तो निध्व NIDM इज निध्व। क्षमता विकास हो निध्व का यह स्वप्न है, मेरे साथ में आप भी गाइए ना, क्षमता विकास हो निध्व का यह स्वप्न है, स्वप्न को संकल्प में साकार करना चाहिए, आप
आपदा को पालना या आपदा को टालना, आपदा को पालना या आपदा को टालना, आज यह फैसला आकार लेना चाहिए, आज यह फैसला आकार लेना चाहिए। अभी तो आप बोलेंगे कि भाई हमें बुलाया है और एनआईडीएम के बारे में बोले जा रहे हैं, तो चलिए हमारे जो मित्र टॉम वाइट बैठे हुए हैं, सो वाइट मींस वाइट, धवल हिंदी में कहते हैं, तो दो पंक्तियां मेरे मित्र टॉम के लिए लिखी है हिंदी में, आई ट्रांसलेट लेटर ऑन फॉर यू। जिनका नाम धवल है, जिनका काम प्रबल है, यूनिसेफ के टॉम तो डीआरआर के में अव्वल है, तो ये थोड़ा करनी है। आज हमारी चार बहनें मंच पर आने वाली थी, चौथी अभी तक पहुंची नहीं है, उनका इंतजार है, शायद पहुंची, संभावना पूरी, संभावनाओं पर दुनिया टिकी हुई है। ये ईरा जो है, मैंने सोचा सुबह कि ईरा का अर्थ क्या होता है, तो ईरा संस्कृत के पृथ्वी शब्द से बना है, जिसको भूमि को हम देवी के रूप में भी पूजते हैं, और इसी तरह से ग्रीक में जो ईरा का ओरिजिन वर्ड है वो गॉडेस ऑफ पीस, उसको ईरा कहा जाता है। तो इनके मुख पर जो शांति है और जिसमें इतने हिम्मत और ताकत पृथ्वी के जैसी है, उस पृथ्वी के ऊपर हम कितना भी अत्याचार करते हैं लेकिन वो भूमि है अभी भी अपनी दृढ़ता से साथ में बिना थके हुए अविरल वो चक्कर लगाती रहती है, उसी तरह से हमारी ईरा भी बिना थके बिना रुके, चाहे किसी देश के कोने में इनको पोस्टिंग मिले, चाहे दिल्ली में हो या अरुणाचल में, उनमें वही जोश रहता है, तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह से जो रूमा है उसका मैंने सोचा कि अर्थ क्या होता है, तो रूमा का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी, और वैसे तो डबल देवी होगी, लक्ष्मी देवी, सो रूमा देवी जो है, और आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि लक्ष्मी वो अपने लिए नहीं कमा रही है, वो 30,000 महिलाओं के सशक्तिकरण और संबल बनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा पहल अपने गाँव में की थी, और वह पहल आज न केवल इस देश में बल्कि दुनिया में माना जा रहा है कि एक कैसे ग्रास रूट बेयरफुट डिजाइनर who can change the fate of the rural women, and she is not only a champion of those 30,000 women but also a brand ambassador for more than 3 to 4 lakh women in Rajasthan for their livelihood promotion. We are proud of you. Hame garv hai tumhari aap ke upar. और जो रंजीता जी अभी आई हैं, उनकी तो संघर्ष की कहानी, चाहे वो मंच पर नहीं है लेकिन हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर कि आज उन्होंने ये पीड़ा उठाया कि जेंडर इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें महिला और पुरुष की नहीं, ट्रांसजेंडर की भी भागीदारी है और उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, और उस संघर्षमय जीवन से उठकर और इस दुर्गा पूजा के समय में वो भी एक शक्ति का रूप के रूप में, रंजीता का अर्थ होता है जो विजयी हो, और वो भी एक तरह से देवी का रूप होता है क्योंकि, और विजयदशमी के समय बंगाल से आ रही है तो निश्चित रूप से शक्ति का देवी का रूप भी है। तो ऐसी हमारी जो चारों देवियां हैं और जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों को और विषमताओं को पार करके लांग करके आज हमारे बीच में इस मंच पर बैठी हैं, उनके लिए ये मेरी दो पंक्तियां, उनको सलाम करने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट मेरी इन बहनों को। विषमता की खाई को कैसे करना पार है, विषमता की खाई को कैसे करना पार है, अरे खाई को कैसे करना पार है, शक्ति का प्रतिरूप है देवियां ये चार है, शक्ति का प्रतिरूप ये देवियां ये चार है, क्षमता का विकास हो निर्भगा यह स्वप्न है, स्वप्न को संकल्प में साकार करना चाहिए, और ऐसी हस्तियों का सत्कार करना चाहिए, ऐसी हस्तियों का सत्कार करना चाहिए। अब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में मैंने सोचा लेखनी उठाई लेकिन हिम्मत नहीं हुई लिखने की, काफी कांपते हुए हाथों से मैंने कुछ चार पंक्तियां लिखी है, और उसकी आखिरी पंक्ति में यही बताना चाहूंगा कि क्यों ये हाथ कांप रहे थे और क्यों चार पंक्तियां उनके लिए पर्याप्त नहीं।
गांव के विकास से जिसने की प्रीत है, गांव के विकास से जिसने की प्रीत है, सर्व शिक्षा स्वास्थ्य की बनाई जिसने नीत है, कभी होता है वो थोड़ा सा लिबर्टी ले लेता है मात्राओं को इधर उधर करने की। तो मैं सोच रहा था मात्रा का जब विचार आया मन में, तो अफसर तीन तरह के होते हैं। एक अफसर वो होते हैं जो मात्रा लेते हैं, जो भ्रष्टाचार में लग्न होते हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं कि अपने काम के बावजूद भी जो है लोगों को मात्रा लगाना भी सीखते हैं और खुद मात्रा लगाते भी हैं। जैसे सर हैं, इन्होंने 7 बुक्स को ऑथर किया है और भारत को साक्षर बनाने में, भारत को शिक्षित बनाने में जो इन्होंने भूमिका अदा की है, द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट कुड रीच टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिव पॉलिसी दैट ही प्रोपगेटेड इंक्लूडिंग यूनिवर्सल एजुकेशन एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। गांव के विकास से जिसने की प्रीत है, सर्व शिक्षा स्वास्थ्य की बनाई जिसने नीत है। तो नीति को मैंने नीत कर दिया, एक मात्रा हटा दी। तो कभी जो होता है वो जो एडमिनिस्ट्रेटर कभी होता है वो इस मात्रा के साथ में छेड़छाड़ करता है कि वो एक मात्रा कभी घटा देता है कभी बढ़ा देता है। और कभी ऐसा भी होता है जो कि भगवान को भी तू बोल के बोल सकता है, उसको लिबर्टी होती है, वो तू हे राम ये कभी ही लिख सकता है। तो सर को भी मैं थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा सम्मान से, कविता में नहीं लिखूंगा, सम्मान हृदय में है, लेकिन कभी अपनी भाषा में वो लिबर्टी ले सकता है। समावेशी विकास के सुर और गीत हैं, समावेशी विकास के रचे सुर और गीत हैं, मंच पे आसीन ये वही अमरजीत है, मंच पे आसीन ये वही अमरजीत है, हाँ वही अमरजीत है। गीत और ग्रंथ नहीं ग्रंथकार रचना चाहिए, गीत और ग्रंथ नहीं ग्रंथकार रचना चाहिए, क्षमता विकास हो निर्भगा यह स्वप्न है, स्वप्न को संकल्प में साकार करना चाहिए, आपदा को पालना या आपदा को टालना, आज यह फैसला आकार लेना चाहिए, आज यह फैसला आकार लेना चाहिए। Thank you so much, sir, for the lovely poetry and introduction of the guest once again.